इस वीडियो में जानेंगे पीएमएफ आधार नेम अपडेट करने के लिए सही तरीका बताया हूँ पिछले वीडियो में। अच्छे रिस्पॉन्ड मिले और कोई कोई पीएम मेंबर के फादर नेम अपडेट भी हो गए। ठीक है, इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीजी टेक्निकल चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिए फ्रेंड। ठीक है, सर्च बार में लिखिए ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म। देखिए ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए इस तरीके से। देखिए डाउनलोड हो गए हैं बड़ी आसानी से, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, ये पार्ट टू वीडियो बना रहा हूँ फादर नेम अपडेट करने के लिए। पिछले वीडियो में अच्छे रिस्पॉन्ड मिले। ठीक है, कोई कोई पीएम मेंबर के फादर नेम अपडेट हो गए हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके। ठीक है, देखिए फ्रेंड कैसे फिलअप करते हैं। डियर सर में अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे अपना कंपनी का नाम डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए करेक्शन नेम, फादर नेम, पीएफ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, जो सही डॉक्यूमेंट्स है उसी को डालिए। ठीक है, आधार कार्ड या पैन कार्ड हो, जो भी हो, जो सही नेम है उसी को डालिए ये करेक्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिए रॉन्ग रॉन्ग में जो गलत नेम है पीएफ अकाउंट में उसी को डालिए सही तरीके से। उसके बाद देखिए फ्रेंड इसमें अपना साइन और सील, कंपनी का सील सिग्नेचर करा के आधार कार्ड या पैन कार्ड अटैच करके पीएफ ऑफिस में बाईपास कीजिए बा विजिट कीजिए। ठीक है, 100% आपका फादर का नेम अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, यही एक तरीका है फादर नेम अपडेट या करेक्शन करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पीएफ से हर जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। हैप्पी नेक्स्ट डे फ्रेंड, बाय बाय।